क्या होगा? पता नहीं, इस तरह भाई का यूं अचानक आ जाना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, मुझे उनके साथ जाना होगा। और मूवी? राहिल नाराज हो जाएगा यार। राहिल को मना लूंगी मगर भाई की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। कितने दिन रहोगी? आई डोंट नो। खैर, मैं चेंज करके आती हूँ। ये ऑड लग रहा है ना, लेकिन हम तो तुम्हें इस हालत में देख चुके हैं। मगर डैड ने तो नहीं देखा ना कभी मुझे इस तरह। वो तो भी घर में ही होंगे। मैं चेंज करके आती हूँ। मॉम, आप माने या ना माने, उरूसा ने बुलाया भाई को। मुझे भी यही लगता है। देखा, लगता है ना आपको? मॉम, सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि उस लड़की के पीछे भाई अपना फ्यूचर, अपनी स्टडीज सब छोड़ छाड़ कर आ गए। मॉम, अलार्मिंग सिचुएशन है ये। प्लीज कुछ करें। मुझे समझ नहीं आ रहा बीनी, मैं क्या करूं क्या कहूं। मॉम, डैड से बात करें। डैड को बोले फौरन उन्हें रवाना कर दें यहाँ से। मॉम, सोचे इकलौते बेटे हैं भाई, सहारा बनना है डैड का, इस घर के बड़े हैं, बिजनेस संभालना है। इश्क आशिकी के चक्कर में पड़ गए तो सारी जिम्मेदारियां भूल नहीं जाएंगे? भूल जाएंगे ना? कह रही हो तुम, कुछ ना कुछ तो करना होगा। आप ही, आप क्या कह रही हैं? अगर जोया और बिलाल एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम है ना, तुम नहीं समझोगी। तुम जोया से कहो कि अगर वो ये शादी करना चाहती है तो मुझसे बना के रखे, और बिलाल मेरी हर बात मानेगा। हाँ, जोया और बिलाल के दरमियान कुछ भी ढका छुपा नहीं है, और अगर इस बात में सच्चाई है तो बिलाल जोया को बता चुका होगा। अच्छा, तो मुझे तो जानती हो ना तुम। अगर मैं जिद पर अड़ गई ना तो ये रिश्ता तो नहीं होने दूंगी, याद रखना। अम्मी ठीक कहती है, आपे की दोस्ती और दुश्मनी दोनों से अल्लाह बचाए। बबली, सुनो, ये वीडियो आमिर ने बनाई है। हाँ, है ना गजब की। क्या बात है, गजब प्रेम की अजब कहानी। बीनी को दिखाई? नहीं, हरगिज नहीं, उसको मत दिखा देना। कमाल आइटम है ये, आमिर ने तैयार किया। वक्त आने पे दिखाएंगे उसको भी। वैसे यार, आमिर है बहुत स्मार्ट। कमीना बोलो उसे तुम। राहिल ने भी बहुत सोच समझ के इतने घटिया सोच वाले को अपने साथ रखा। क्या एडिटिंग स्किल्स है यार। एंड ये तो है। अच्छा ये बताओ, वापसी कब है उसकी? बीनी से पूछा? कल आ रही है यूनिवर्सिटी, खुद ही पूछ लेना। यार राहिल बेचैन हो रहा है, बार बार मैसेज कर रहा है। तुम्हें क्यों कर रहा है? उसे कहो कि उसे खुद मैसेज करके पूछे। उसका नंबर ऑफ है, पता नहीं क्या मसला है। नंबर ऑफ है? कहीं आज कयामत का दिन तो नहीं है? उसका भाई कयामत से कम नहीं है। वो भी किसी से कम नहीं है। वैसे अपने भाई को भी संभाल लेगी और कयामत को भी। अच्छा चलो छोड़ो, इसे देखो। कहाँ जा रही हो? मूड ऑफ है मेरा तुम्हारे हॉस्टल आना और तुम्हें वहां से यहाँ लेकर आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप बताएं, आप कैसे हैं? पढ़ाई कैसे जा रही है? मेरी पढ़ाई छोड़ो, अपना बताओ, तुम्हारे एग्जाम्स कब से हैं? अच्छी जा रही है, डेट नहीं आई अभी तक, लेकिन नेक्स्ट वीक तक हो जाएंगे। आई होप यू विल गेट द फर्स्ट पोजीशन। मामा बता रही थी तुम बहुत मेहनत कर रही हो पढ़ाई में, दिन रात एक कर दिया तुमने पढ़ने में। मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ, अब आपको अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने की जरूरत है। मॉम डैड को बहुत होप्स हैं आप पर। इस तरह सब कुछ छोड़कर आ जाना, वक्त और पैसा सबका जिया है। मैं अपने माँ बाप का पैसा और अपना वक्त जाया नहीं करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इस चीज का एहसास है। तुम्हें भी होना चाहिए। मुझे भी है। अब मैं चलूं? Excuse me. ठीक कह रही थी, अम्मी। जी जी बेटे बोलो। मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, दुआ कीजिएगा आज मेरा इंटरव्यू है, अच्छा हो जाए। अल्लाह कामयाब करे तुम्हें। किस वक्त जाओगी वहाँ? मैं यूनिवर्सिटी के बाद सीधा वहीं चली जाऊंगी। अच्छा, अल्लाह ने चाहा अल्लाह जरूर बेहतरी करेंगे तुम्हारे लिए। बस या हफीजों की तस्बीह लाजमी पढ़ लेना। मैं भी नफल पढ़ूंगी, पढ़ लूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी भाभी, सब खैरियत? बिलाल, मुझे तुमसे एक काम था, अगर तुम माइंड ना करो। नहीं, बोलिए। वो उरूसा की दोस्त है ना जोया, जिसके अबू वकील हैं, बस उनके घर जाना था। खैरियत? तुम तो जानते हो वो अम्मी की जायदाद का जो केस चल रहा है ना, वो उसके अबू हैंडल कर रहे हैं, तो बस इसलिए। ठीक है, कब चलना है? आज शाम को। वो घर पे होंगे ना, इसलिए। ठीक है, चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे भाई प्यारी बद्दो, चाय तैयार है तो ले आओ। जी जी मैं लाई। नाश्ता नहीं करेंगे, पराठा बना रही हूँ बस। नहीं नहीं छोड़ो, पराठा क्या खाना, बस चाय ही ले आओ बस। वो जरा जाना है मुझे जल्दी। जी अच्छा, खैरियत? वो बाकिर भाई है ना, जनरल स्टोर वाले, तो उनका एक दोस्त है, उन्होंने बात की है उससे, तो वो जरा करेगा तो कर्जे का सिलसिला जरा जल्दी हो जाएगा, तो बच्ची का भी मसला हल हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ये ले। शुक्रिया। आज उरूसा का भी इंटरव्यू है, अल्लाह करे आप दोनों के काम हो जाए। चलो भाई, बस चाय तो हो गई, तो मैं अब निकलता हूँ। जरा जल्दी पहुंचना है ना उनके पास। ठीक है? हंस के देखो इधर। अच्छा, आप यहाँ? हाँ, वो बीनी को ड्रॉप करने आया था, तुमसे मिलना भी था, मेरा मैसेज मिला होगा तुम्हें। हाँ मिला था, मगर मुझे इंटरव्यू के लिए जाना इसलिए पॉसिबल नहीं। फिर रूसा, अगर आज तुम अपने कुछ पीरियड्स ड्रॉप कर दो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, बहुत अहम मैटर डिस्कस करनी है। आई रियली नीड योर हेल्प। मगर वलीद। प्लीज रूसा, प्लीज मेरे लिए इतना तो कर सकती हो। चले। थैंक यू। वहाँ है गाड़ी, चले। क्या रूसा के साथ? मैंने आपसे कहा था ना, अगर अब भी आपको यकीन ना आए तो अफसोस ही किया जा सकता है। मॉम मेरी बात माने और अभी पापा के घर जाएं और उन्हें बताएं कि उनकी बेटी यूनिवर्सिटी के बहाने करके भाई के साथ ऐश कर रही है। मॉम उरुसा ने भाई को बुलाया है, उन्हें बर्बाद कर रही है। जितनी जल्दी हो सके भाई को वापस भेजें और चुंगल से निकालें उसके उन्हें। हाँ मैं अभी जा रही हूँ आपदा के घर। ओके, पहले पापा को फोन करें और उन्हें उनकी बेटी के करतूत बताएं ताकि उरुसा के सारे बचने के रास्ते बंद हो जाएं। जानवर को जख्मी करके उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, उसे मार देना ही बेहतर होता है, वरना वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है। अब सारे अगले पिछले बदले लेने का वक्त आ गया है। मुझसे बचो। ये सब मेरे सर पे रहेगा आपका। ये अल्लाह आपको बहुत अजर देगा। मैं, मेरी बीमार बीवी और बच्चे हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। अरे हम तो एहसान मंद हैं आपके। देखिए मैं कभी आपके पास था अगर ये कैंसर का इलाज इतना महंगा ना होता, हम तो मजबूर ये झोले फैलाने आ गए आपके पास। कैसी बातें कर रहे हो सलीम साहब? मैं तो अल्लाह के दिए में से दे रहा हूँ, वरना मैं क्या और मेरी औकात क्या। बस अल्लाह ताला आपकी बीवी को सेहत और तंदुरुस्ती दे दे, वही मेरा इनाम होगा। निज़ामी साहब, सलीम साहब की बीवी बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छी खातून है। बीमारी के बावजूद इतनी मेहनत करती हैं, अल्लाह ताला इन्हें इस परेशानी से निकाले। आमीन। हम दोनों मियां बीवी एक हैं, सब्र करने का। और ये देखिए इश्तियाक साहब, इनका तो एहसान ही नहीं दे सकता मैं सारी जिंदगी। अरे आप जैसे फरिश्ते से मिला दिया, ऐसे खुदा तरसाद में से। देखिए कहाँ होता है ज़माने में। देखें अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं इश्तियाक साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, इन्होंने कहा तो मैं मना नहीं कर सका। अल्लाह आपकी मुश्किल दूर करे। अरे भाई जहादी निज़ामी साहब, सर 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 बड़ी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा वक्त तक आया। नहीं ये तो मेरा फर्ज है यार। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। अरे सबा भाभी का फोन क्यों आ गया? क्या काम पड़ गया? वाह मौला, आज तो बड़ा लकी डे है मेरा। लाख रुपए यहाँ से बन गए, इधर से भी कोई आसरा हो जाएगा। अच्छे पैसे वसूल करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सबा भाभी। वैसे सलीम बड़े ही अफसोस की बात है, वैसे कुछ करते हो नहीं, पूरा दिन घर में होते हो। जरा अपनी बेटी पे नजर रख लिया करो, खबर है तुम्हें वो इस वक्त कहाँ है और किसके साथ है? एक मिनट समां, अभी एक मिनट। मेरी बेटी के बारे में ठीक तरीके से बात करें और क्या कह रही हैं आप? अच्छी तरह से सोच समझ के बात कर रही हूँ सलीम। जिस तरह तुम 2 नंबर झूठे इंसान हो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम पे गई है। इस वक्त मेरे बेटे के साथ यूनिवर्सिटी का बहाना बनाकर होटलिंग कर रही है। अरे कौन 2 नंबर, 1 नंबर आदमी हूँ मैं। और मेरी बेटी के बारे में जरा जवान संभाल कर बात करें, बता रहा हूँ मैं आपको। कौन से भाई झूठ, यानी चोर भी गए? चोर चोर तो आप लोग झूठे, सारे झूठ बोलने वाले। अंदाजा लगाओ, बेटा अमेरिका में और इल्जाम तराशी कर रही हूँ होटल में बैठे। इंतहा है किसी चीज की। तौबा है भाई। वलीद अमेरिका से आ गया है और इस वक्त तुम्हारी बेटी के साथ है। जाओ जाओ यूनिवर्सिटी, पता लगाओ, और जब सच तुम्हारे सामने आए तो या तो खुद शर्म से डूब मरना या अपनी बेटी को मार देना। आपने बीनी से पूछा? अभी नहीं, पहले मैं इस मामले का खुद जायजा ले। आपने यहाँ आकर बहुत बड़ा फैसला किया है। जानता हूँ, अपना फ्यूचर दाव पे लगाया, लेकिन इस मामले को भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खानदान की इज्जत का सवाल है और मेरा फ्यूचर खानदान की इज्जत से ज्यादा अहम नहीं है। एक मिनट, मामा की कॉल। हेलो। जी मामा। कहाँ हो तुम? एक दोस्त के साथ। कौन से फ्रेंड के साथ हो वलीद? मामा हूँ एक दोस्त के साथ। अब हर दोस्त को तो आप नहीं जानती ना। वलीद आई एम सिक। वलीद all good। तो मैं यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देता हूँ। गुरु साहब थैंक यू सो मच, तो मेरे कहने पर आपको जाना चाहिए। राइश देखने का चांस मिस नहीं करना चाहिए, बल्कि जल्दी पे तेल भी दीजिएगा। बीनी मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम जानती हो ना वलीद बहुत नाराज होगा। हाँ, डरे नहीं बल्कि भाई को भी शर्मिंदा कर दे। एक तीर से 2 शिकार। मैं यही यूनिवर्सिटी जब तक वो दोनों वापस आएंगे सलीम फुप्पा के शिकंजे में होंगे, तब तक आप वहां से उनके घर पहुंचे। समझे? बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई। ठीक है, गुड। इस बार नहीं छोड़ूंगी। फुप्पा जान, तेल ले रही है। फुप्पा जान, फुप्पा जान, बैठ अंदर, बैठ बैठ, अबे बैठ, चल भाई। आपदा, आपदा, भाभी जान आप आइए ना, बैठिए प्लीज। मैं जहाँ खड़ी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। किधर है तुम्हारी बेटी? बेटी? क्या मतलब बेटी? एक ही तो रह गई है, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करी है। किधर है वो चुड़ैल अरूसा? भाभी जान आप मेरे घर में खड़ी हैं, तमीज से बात करें वरना 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 क्या करोगी बताओ मुझे। क्या अब अरूसा की अब्बू ये क्या है? अरे मर गई अरूसा, और खबरदार जो इस बेशरम का अब्बू कहा मुझे पूछो इससे। कहाँ से लाए हूँ मैं उसे रिक्शे पे, और किसके साथ थी ये कार में? इससे क्यों पूछेंगे, मैं बताती हूँ। क्योंकि ये बेशरम लड़की मेरे इकलौते बेटे के साथ थी। शर्म नहीं आती इसको मौज मेले उड़ाते हुए। मेरे बेटे को अमेरिका सिर्फ मुलाकात के लिए बुलाया है। भाभी आप मेरे घर में खड़े होके ऐसे बेहुदा और घटिया इल्जाम नहीं लगा सकती मेरी बेटी पर। चुप कर जाओ, शर्म आनी चाहिए। सच बोल रही हूँ मैं, ये झूठे इल्जाम नहीं है, सच बोल रही हूँ। तुम्हारी बेटी के बेहुदा करतूत है, समझ आई तुमको? बस करे मामी, चुप कर जाओ। और आपदा, मैंने नहीं इसके बाप ने रंगे हाथों पकड़ा इसको। थोड़ी सी गैरत होती तो सीधा इसको कब्रिस्तान लेकर जाता, ये तो घर घसीट कर लेकर आया है। मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जो आप मेरे बाप को मेरे कत्ल पे उकसा रही हैं। आपके बेटी की करतूत सारी यूनिवर्सिटी जाम। अगर मामू को पता चल गया ना तो वो उसे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। चुप कर जाओ, बकवास बंद करो वरना इसी वक्त तुम्हारी जबान काट दूंगी मैं। अपने काले करतूत छुपाने के लिए मेरी मासूम बच्ची पे इल्जाम लगा रही हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। संभालो इसको, कहीं कोने में बंद करो, समझ आई तुमको? और ये जो तुम दोनों ख्वाब देख रहे हो कि ये मेरे घर की बहू बनेगी, मेरे बेटे की, मेरे होते हुए ये सबा की कभी बहू नहीं बनेगी। हटो पीछे। भाभी जान वो बदकिरदार खानदान, लानत हो भाई, लानत। फिटकार ऐसी औलाद पे और डबल फिटकार ऐसी माँ पे जिसने ये तरबियत की। चलो मेरे साथ। मेरी बात। आपको किसने बताया? तुमने क्या करना है भाई? तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी लड़की क्या कर रही थी? तुम्हें यह जानने में दिलचस्पी है कि मुझे किसने बताया? बताओ। तुम जानती थी ना इन दोनों की मुलाकात के बारे में? जानती थी ना तुम? अल्लाह की कसम सलीम, मुझे कुछ नहीं पता था। अबू मेरा यकीन करें, वलीद के पाकिस्तान आने के बारे में हम में से किसी को कुछ भी नहीं पता था। मैं जब यूनिवर्सिटी पहुंची तो वलीद वहाँ पहले से मौजूद था। मुझे कहने लगा कि बीनी के बारे में कोई बात करनी है, मेरे साथ चलो, और मैं उसके साथ चली गई। तुम तो चुन्नी काकी हो ना, रोटी को चोची कहती हो तुम। तुम्हें किसी ने कहा आओ रूसा में तुम्हें शहीद दिला दूं, तुम चलती साथ। अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं बताया कि ऐसे कोई जाने को गए तो साथ नहीं जाते? वैसे तो बड़ी अक्लमंद बनी फिरती हो तुम, हैं? बड़ी लाइक वाइक स्कूटियां चलाती फिरती हो, इतना ख्याल नहीं आया? अब ले लो मुझसे भी ब्रेकिंग। कल से तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, यूनिवर्सिटी जाना बंद। कैसे पता चला? Excuse me, आपने उरुसा को देखा है? नहीं, कहाँ रह गई ये? मुझे फोन करके खुद गायब हो गई मैडम। अरे फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? कैसे बताऊं बातें वो दिल की, दिल ही समझ ना पाए। राज़े मोहब्बत तुझको सुनाऊं तू ही समझ ना पाए। ऐ मेरे हमनवा प्यार तुझसे किया। तुम कब आए? काफी देर पहले। आप कहाँ गई थी? मैं तो मार्केट गई थी। लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों? तुम तो अपने दोस्त से मिलने गए थे ना? नहीं, मैं उरूसा से मिलने गया था। तो मेरी इतला सही निकली। किसने इतला दी थी आपको? क्या फर्क पड़ता है? जरूरी बात यह है कि मेरी इतला सही थी। फर्क पड़ता है मॉम, पप्पा जान को आपने बताया था। हाँ। I can't believe it. How can you do that? आपको अंदाजा है कि आपने अपनी नफरत में उरूसा के साथ क्या किया है? पप्पा जान उसका जीना हराम कर देंगे। आपने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। उसकी जिंदगी की तुम्हें बड़ी परवाह है। She deserves all of this. जो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो उसकी मोहब्बत में, उसी की वजह से आए हो ना वापस। अपनी स्टडीज, अपना फ्यूचर सब तबाह करके। हमारे भी कुछ ख्वाब थे तुम्हें लेकर, तो कोई परवाह ही नहीं है। तो आप मुझसे पूछ लेती ना कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ सब कुछ छोड़कर। आपको मुझसे प्रॉब्लम थी ना, मैं आपको बताता कि मैं यहाँ क्यों और किस लिए आया हूं। और सच बताता, बहुत गलत किया आपने, बहुत गलत किया है। अच्छा भाई, अब ये कहाँ जा रहा है? कोई गलत कदम ना उठा ले तो मुझे भी पता नहीं क्या क्यों पीने की उल्टी सीधी बातों में आ जाती है। अंकल, अगर हमारे मामू अपनी बहन के साथ नाइंसाफी ना करते और जायदाद में से उनको इनका हिस्सा दे देते तो आज हमारे हालात ही मुख्तलिफ होते। सही कह रही हो। अगर ऐसा हो जाता तो वाकई तुम लोगों के हालात बदल जाते। मगर बेटा, दूसरों की मदद पर इंसार करके अगर खुद मेहनत न की जाए तो कामयाबी नहीं मिलती। तुम्हारी बहन अरूसा माशाअल्लाह बहुत काबिल, मेहनती और हसास बच्ची है। घर वालों के लिए परेशान होना उसका बनता है। सही कह रहे हैं अंकल, लेकिन उरूसा से ज्यादा मैं परेशान हूँ। इसीलिए तो आप लोगों को बार बार तंग करती रहती हूँ ना। वो मैं चाह रही थी कि केस का फैसला जल्द से जल्द आ जाता और हमें हमारे पैसे मिल जाते। क्यों? आपके ससुराल वालों का आपके ऊपर प्रेशर है? नहीं नहीं आंटी, मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। वो दरअसल मेरा भाई कुछ नहीं करता, वो पैसे मिल जाएंगे ना तो अपना कारोबार कर लेगा। अब्बू भी बहुत बीमार रहते हैं और अम्मी की सिलाई से तो घर का गुजारा हो ही नहीं पाता, तो बहुत ही मजबूर हैं हम लोग। मैं आप लोगों की मजबूरियों को समझ सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि इस केस को जल्द निपटा दूं। वैसे ये जो जोया है ना, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी तर्जमान बनकर दिन रात मेरे कान खाती है। ये तो बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की है। इकलौती बेटी है आपकी, लेकिन बहुत समझदार है माशाल्लाह। हमें तो अपनी उरूसा की तरह ही लगती है, हमारी अपनी बहन। थैंक यू आपी। आपी, आज उरूसा यूनिवर्सिटी नहीं आई और आज उसका जॉब का इंटरव्यू भी था, वो वहाँ भी नहीं पहुँची। अच्छा, पता नहीं, मेरी तो उससे बात नहीं हुई। तुम कॉल करके पूछ लो। मैंने तो बहुत बार फोन किया लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। अच्छा, शायद फोन चार्ज नहीं होगा। वैसे यहाँ से मैं घर ही जा रही हूँ तो मैं पता कर लूँगी। हाँ, थैंक यू। वलीद, जो कहना है जल्दी कहो, अगर उरूसा के अब्बू आ गए तो। अरे मर गई उरूसा, और खबरदार जो इस बेशर्म का अब्बू काम हो जाए। तो कोई ना कोई आज मारा जाएगा। I'm sorry पप्पू, तुम्हारी माफी से सलीम की नजरों में जो इज्जत और मर्तबा खाक में मिल गया है, क्या वो वापस मिल जाएगा? वो लड़की जिसकी नेक नामी की और अच्छे किरदार की वो कसमें खाते थे, आज उसे बद किरदार कह रहे हैं। अंदाजा भी नहीं बनी क्या कयामत गुजरी है। वो मैं सिर्फ ये बताने आया था कि वो बेकसूर है। वो बराबर की कसूरवार है। जहां जाने की उसको इजाजत नहीं थी वो वहां क्यों गई? तो वो मेरी वजह से गई है। वो मैंने कहा था उसे जाने के लिए। तुमने कहा वो चली गई, कल कोई और कहेगा वो चली जाएगी। क्यों? क्या बच्ची है वो? फुप्पो मैं वलीद हूँ, आपका अपना वलीद। मैं कोई गैर नहीं हूँ। समझा गई है तुम्हारी। हम कौन है? तुम कौन है? उन्होंने जो किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ आपसे। आप प्लीज माफ कर दें, प्लीज पप्पू। क्या करेगी तुम्हारी माफी? जो कुछ तुम्हारी माँ कहकर गई है, रूसा की जिंदगी में जहर घोलने के लिए वो काफी है। वो मैं मानता हूँ जो उन्होंने किया वो उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ एक बार रूसा से मिलना चाहता हूँ। उससे बात नहीं किसने? और दोबारा यहाँ ना आना। आऊंगा फुप्पो, मैं दोबारा यहाँ आऊंगा मामा के साथ। मुझे उरूसा चाहिए फुप्पो, मुझे उरूसा का साथ चाहिए। मोहब्बत करता हूँ मैं उससे और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और सिर्फ उसी से करना चाहता हूँ। और फुप्पो ये बात आप माफी से सलीम की नजरों में जो इज्जत और मर्तबा खाक में मिल गया है, क्या वो वापस मिल जाएगा? वो लड़की जिसकी नेक नामी और अच्छे किरदार की वो कसमें खाते थे। तुमने मायूस किया है मुझे वलीद। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी औलाद इस रास्ते पर चल पड़ेगी। बच्चों की तरफ से मिलने वाली मायूसी वालिदैन की गर्दन झुका देती है। तुमने आसमान से जमीन पे गिरा दिया मुझे। क्या बताऊंगा मैं लोगों को कि जिस बेटे को मैं तरक्की की दौड़ में सबसे आगे देख रहा था वो तो पिछली सब का खिलाड़ी बन गया। बाबा आप गलत समझ रहे हैं। क्या गलत है मेरी बातों में? यहाँ के मसाइल से निकाल के तुमने बाहर भेजा था मैंने, लेकिन नहीं, तुमने तो खुद को बर्बाद करने की ठान ली। ये सब उस अरूसा का कसूर है। राब्ते में रहिए इसके साथ, पूछे ना क्यों बुलाया उसने यहाँ। मामा प्लीज उरूसा का नाम बीच में मत लाएं। और रही बात यहां पर आने की, तो बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं यहां क्यों आया। देख रहे हैं इसको कितना जज्बाती हो जाता है अगर उरूसा का नाम भी ले। उस लड़की ने मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारी सारी खुशियों का कत्ल किया है। इस लड़की को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रहे। ये मेरा वादा है।